आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूं कि पेटीएम में एक नया अकाउंट कैसे गाइज यहां पे क्रिएट गाइज यहां पे करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में पेटीएम में अकाउंट कैसे क्रिएट करें। और इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक 2024 में नया अकाउंट पेटीएम में गए अगर आप यहां पे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिसमें कि मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। और इस वीडियो में गाइज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी मैं आपको अकाउंट क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, जिससे कि गाइज आप यहां पे 2024 में पेटीएम ऐप को बहुत आसानी से यूज कर पाए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको करना क्या कि मेरे वीडियो के नीचे में आपको पेटीएम का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाएंगे और पेटीएम एप्लीकेशन को गाइज आप यहां पे सबसे पहले इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब गाइज यहां पे पहली बार ओपन करेंगे तो गाइज यहां पे आपको ओपन करने का ऑप्शन आएगा। और ओपन करेंगे तो आप सबके सामने में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। सिर्फ गाइज यहां पे आपको डालना गाइज यहां पे आपको मोबाइल नंबर और यहां पे गाइज आपको प्रोसीड सिक्योरिटी पे आपको टैप करना है। उसके बाद गाइज आप लोग से गाइज यहां पे कुछ गाइज यहां पे परमिशन मांगे जाएंगे। और गाइज यहाँ पे आपके सामने गाइज यहाँ पे आपके नंबर पे ऑटोमेटिक गाइज यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद गाइज यहाँ पे आपके सामने में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइज आपका जो है पेटीएम में एक नया अकाउंट बनकर तैयार है। अब गाइज आप पेटीएम ऐप यूज कर पाएंगे। तो गाइज अब आप लोग को पेटीएम ऐप यूज करने के लिए गाइज यहाँ पे बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। तो गाइज यहाँ पे बैंक अकाउंट को गाइज यहाँ पे लिंक करने के लिए सबसे ऊपर में गाइज यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रोफाइल दिखेगा, सिंपल गाइज आपको उस पर जाना है। उस पर जाएंगे तो यहाँ पे गाइज आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक UPID एंड पेमेंट सेटिंग का यह ऑप्शन हो सके तो गाइज आपको यहाँ पे भी देखने को मिले। तो सिंपल गाइज आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप करेंगे UPID एंड पेमेंट सेटिंग पर तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब गाइज आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट को लिंक करना है तो यहाँ पे गाइज आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसका नाम है ऐड बैंक अकाउंट का। तो सिंपल गाइज आप इस पर टैप करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको सारे बैंक दिखाई देंगे। अगर आपको गाइज यहाँ पे आपका इनमें से कोई बैंक नहीं है तो सिंपल गाइज आप यहाँ पे लिंक गाइज यहाँ पे आपको सर्च बार में जाएंगे और अपना बैंक को गाइज यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जैसे गाइज आप उस पर टैप करेंगे आपके सामने गाइज यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आकर गाइज आपका जो है गाइज यहाँ पे बैंक अकाउंट गाइज आपका वेरीफाई गाइज यहाँ पे होने लगेगा। और गाइज यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। नीचे में गाइज ऑप्शन देखने को मिलेगा रिसीव मनी फ्रॉम एनी UPI ऐप। तो सिंपल गाइज आपको इस पर टैप करना है। जैसे इस पर टैप करेंगे तो गाइज आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कॉन्ग्रेचुलेसन नाउ रिसीव मनी फ्रॉम एनी UPID ऐप। उसके बाद सिंपल गाइज आपको यहाँ पे ओके गो इट पे आपको टैप करना है। अब गाइज आपको यहाँ पे अपना UPID पिन क्रिएट करना होगा। जब भी गाइज आप यहाँ पे किसी को भी पैसे भेजेंगे तो गाइज आपको एक 4 अंक या 6 अंक का UPID पिन होता है, जिससे गाइज आप उस पासवर्ड को डालेंगे तब जाकर गाइज आप उस पैसे को किसी को भी भेज सकते हैं। जिससे क्या होगा गाइज अगर आपका कोई भी यहाँ पे आपका स्मार्टफोन ले भी लेगा तो फिर भी गाइज यहाँ पे आपके बैंक से पैसे नहीं ले पाए जब तक गाइज आप 4 अंक नहीं डालेंगे। तो गाइज यहाँ पे आपको UPID पिन क्रिएट करने के लिए गाइज यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक पहला गाइज यहाँ पे आप अपना ATM कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, दूसरा गाइज यहाँ पे है आधार कार्ड। तो जैसे गाइज यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में गाइज आपको ऑप्शन दिखेगा चेंज UPID पिन फ्रॉम, यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे आपका बैंक का नाम। तो सिंपल गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूज डेबिट कार्ड यानी गाइज ATM कार्ड। तो सिंपल गाइज मेरे पास ATM कार्ड है तो मैं ATM कार्ड के यूज करके अपना पिन सेट करूँगा। नीचे में गाइज यहाँ पे प्रोसीड दिखेगा, सिंपल इस पर टैप करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको 6 अंक का गाइज आपको लास्ट वाला ATM का पिन डालना है। फिर गाइज आपको यहाँ पे मंथ और ईयर्स डालना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे टैप करेंगे। फिर गाइज आपके नंबर पे 6 अंक का OTP आएगा जो गाइज आपका OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई ले लेगा। उसके बाद गाइज आपके सामने गाइज यहाँ पे आपको 4 अंक का गाइज कोई बैंक में गाइज 6 अंक का भी OTP मतलब यहाँ पे पिन डालना होता है। तो इसमें गाइज यहाँ पे 4 अंक का पिन गाइज आप डाल देंगी और दोबारा से गाइज आप डाल देंगी। उसके बाद गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। गाइज आपका जो है गाइज यहाँ पे पेटीएम में गाइज आपका जो है गाइज यहाँ पे बैंक अकाउंट गाइज यहाँ पे आपका लिंक हो चुका है, यानी गाइज आपका जो है गाइज इसमें है बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है। सिंपल गाइज आप इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद फिर से गाइज अगर आपको
और भी गैज आपको कोई बैंक अकाउंट गैज आपको ऐड करना है तो बिल्कुल गैज आप निश्चिंत रहे, कोई और बैंक अकाउंट भी गैज आप लिंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल गैज आप यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे जाएंगी और फिर से गैज आप यहाँ पे बैंक अकाउंट को गैज आप ऐड कर देंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद गैज यहाँ पे आप फिर से गैज यहाँ पे बैक आएंगे तो गैज आप यहाँ पे होम पेज में आ चुके हैं। अब गैज आप यहाँ पे से गैज आप यहाँ पे कुछ भी गैज आप यहाँ पे अब गैज यहाँ पे आपका जो है पेटीएम ऐप गैज यहाँ पे आपका 100% सक्सेसफुल गैज यहाँ पे आपका बनकर तैयार हो चुका है। अब गैज आप यहाँ पे पैसा कैसे भेजेंगे अब आज के इस वीडियो में गैज यहाँ पे जानेंगे। तो गैज आप यहाँ पे पैसे को स्कैन करके भी पैसे भेज सकते हैं, गैज आप यहाँ पे नंबर पे भी पैसे भेज सकते हैं, और गैज आप चाहे तो गैज यहाँ पे आप बैंक अकाउंट में ही गैज यहाँ पे पैसे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई गैज यहाँ पे इश्यू नहीं है। अगर गैज यहाँ पे आपको स्कैन करके भेजना गैज यहाँ पे गैज आपको दिखेगा स्कैन एंड पे, तो सिंपल गैज आप स्कैन एंड पे के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे स्कैन करने का ऑप्शन है, जिससे गैज यहाँ पे क्यूआर कोड गैज आप स्कैन करेंगे, आपके सामने पेमेंट डालने का ऑप्शन आएगा, बस गैज यहाँ पे 4 अंक का OTP डालेंगे और आपका गैज यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद गैज आपको नंबर पे पैसे डालना है तो यहाँ पे 2 मोबाइल और कॉन्टैक्ट दिखेगा, सिंपल इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद गैज आपका सारा ऑप्शन दिखेगा, सिंपल गैज मैं एक यहाँ पे नेम को चूज करता हूँ, आप चाहे तो गैज यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। गैज यहाँ पे देखिए मैंने 1 रुपये सेंड किए, मैंने गैज यहाँ 5 रुपये सेंड किए हैं। उसके बाद गैज यहाँ पे आप नीचे में गैज आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, पे का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल पे वाले ऑप्शन पे गैज यहाँ पे जाएंगी, अमाउंट को गैज यहाँ पे आप डालेंगी और गैज यहाँ पे आप अमाउंट को गैज यहाँ पे आप डालने के बाद जो गैज यहाँ पे है आपका गैज यहाँ पे अकाउंट बनकर गैज आपका रेडी गैज यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से गैज आप जो गैज यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन में गैज यहाँ पे आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं और पेटीएम एप्लीकेशन में गैज आप यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे गैज यहाँ पे आपको मोबाइल रिचार्ज दिखेगा गैज आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद गैज यहाँ पे आएंगे तो गैज आप पेटीएम से मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, पेटीएम से गैज आप यहाँ पे फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, पेटीएम से गैज आप यहाँ पे बस टिकट बुक कर सकते हैं, गैज यहाँ पे आप इस प्रकार से गैज यहाँ पे आप होटल का रूम गैज यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गैज आप पेटीएम एप्लीकेशन में गैज आप यहाँ पे एक नहीं दो नहीं मल्टीपल काम कर सकते हैं। उसके बाद गैज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पेटीएम एप्लीकेशन से गैज आप यहाँ पे रेफर करके भी अर्निंग कर पाएंगे, अगर आपके दोस्त हैं अगर आपके रिश्तेदार हैं तो गैज आप यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन से गैज यहाँ पे आपको दिखेगा रेफर एंड विन, तो गैज आप यहाँ पे रेफर करके भी अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से गैज आप यहाँ पे देखेंगे पेटीएम एप्लीकेशन से गैज आप यहाँ पे सारे काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो गैज अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको पेटीएम ऐप में अकाउंट कैसे बनाए मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया। यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो में समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।